हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कलेक्टिव एनर्जी में क्या निकल कर आता है, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या चल रही हैं। एंड कल के दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई वॉइस की, कल एंड परसों, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बैकग्राउंड में पता नहीं कैसे एक शोर हो रहा था, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी बनारस में और एक नॉइस आ रही थी। मेरी शायद मेरे माइक में भी कुछ इश्यूज थे, सो सॉरी फॉर दैट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स इस वक्त करंट एनर्जी में, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है उनके लाइफ में। जस्टिस बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड जस्टिस, मतलब आपको न्याय देना चाहते हैं। द फूल, हर्मिट, दो कार्ड और, ओके चार आ गए। ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं आज, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। ओके द चैरियट, हैरोफेंट, चैरियट के साथ हैरोफेंट आया है, मतलब शादी का डिसीजन लेने वाले हैं या बात चल रही है। एम्प्रेस, डेथ, टावर, डेथ एंड टावर साथ में आ गया है। तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मेजर चल रहा है, आपने से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, मे बी आपको पता हो जिनकी बातचीत हो रही हो, क्योंकि डेथ एंड टावर साथ में आया है, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, समथिंग बिग। लेट्स क्लेरिफाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल जस्टिस देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जस्टिस करना चाहते हैं, बहुत जल्दी में है। चैरियट का कार्ड कल भी आया था, मतलब कि ये बहुत क्विकली कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और वो भी डिसीजन न्यू बिगिनिंग और मैरिज से रिलेटेड है। क्लैरिफाई करूँगी मैं सभी कार्ड्स को। अवेकनिंग चल रही है, आप में से ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स जो भी बैलेंस्ड हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि बहुत बैलेंस्ड हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, जिनके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आने लगी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे हैं, डिटैचमेंट में हैं, अपने ऊपर पूरा फोकस इन्होंने डाइवर्ट कर रखा है, उनके पार्टनर्स इस वक्त अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। क्योंकि जब आप बैलेंस्ड होते हो तो आप जब हायर वाइब्रेशन में जाते हो तो क्योंकि आपके पार्टनर की कॉर्ड्स आपसे अटैच्ड होती हैं तो वो डेफिनेटली वो अवेकन होते हैं। तो ज़्यादातर जो सोल जर्नी में हैं उनके पार्टनर्स के साथ ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरह की मुसीबत में हो, किसी तरह का उनके लाइफ में अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा हो। और अगर अभी आप बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं हैं तो भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स के लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चल रहा है। अगर अभी आप अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी आप अभी भी लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं या अभी भी आपको अपने पार्टनर को खोने का डर है, तो मतलब कि अभी आप अवेकनिंग में नहीं हैं, अभी पूरी तरह से अवेकन नहीं हुए हैं। तो आपके पार्टनर्स भी इस वक्त किसी न किसी अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो लेट्स क्लेरिफाई, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम क्या कार्मिक, क्या कार्मिक के साथ नहीं रहना चाहिए या कार्मिक कब एंड होगा। तो देखिए, कार्मिक तब एंड होता है जब उसका कर्मा कंप्लीट होता है। कई लोग पूरी ज़िंदगी कार्मिक के साथ बिता देते हैं, लड़ते झगड़ते सहते झेलते, बट वो निकल नहीं पाते हैं उस कार्मिक से। क्यों? क्योंकि मे बी उनका पास्ट लाइफ कर्मा बहुत ज़्यादा है, कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा हमारे इंडिया में कई ऐसी फीमेल्स हैं जिनके हस्बैंड्स जो हैं वो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो वैल्यू नहीं देते, टॉर्चर करते हैं और वो पूरी ज़िंदगी झेलती रहती हैं, सिर्फ इस वजह से झेलती रहती हैं कि हमारे बच्चे हैं और बच्चों का क्या होगा या मेरा फ्यूचर क्या होगा। कोडिपेंडेंट रहती हैं वो, लाइफ टाइम कोडिपेंडेंसी में बिता देती हैं, इवन चली भी जाती हैं धरती छोड़कर, लेकिन वो कोडिपेंडेंट ही रह जाती हैं। तो अवेकनिंग क्या होती है? अवेकनिंग का मतलब ये है कि अपने अंदर, अपनी आत्मा में मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, फेमिनिन एनर्जी भी होती है। हर एक इंसान के अंदर
मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, क्योंकि हर इंसान शिव शक्ति का ही रूप है। तो मैस्कुलिन एनर्जी क्या डिनोट करती है? मैस्कुलिन एनर्जी वो डिनोट करती है जब आप फीमेल होते हुए भी फाइनेंशियली अबंडेंट हों, फीमेल होते हुए भी आप अपना खर्चा खुद निकालती हों, फीमेल होते भी आप अपने हक के लिए लड़ती हों, स्टैंड लेती हों, कहीं गलत हो रहा है तो आप शांत न रहती हों, आप कूद पड़ती हों उस चीज़ में कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये होती है मैस्कुलिन एनर्जी, जो कि मेल्स में हमेशा से होती है और फीमेल्स में भी होती है, बट कुछ फीमेल्स फेमिनिन एनर्जी पर ही फोकस करती हैं, मैस्कुलिन एनर्जी पर फोकस करना ही नहीं चाहती हैं। उन्हें लगता है कि मैस्कुलिन एनर्जी के लिए मैस्कुलिन है ना, फादर है ना, भाई है ना, हस्बैंड है ना, तो ये गलत है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या जो लोग सोल जर्नी में होते हैं, उन्हें यूनिवर्स यही गाइडेंस देती है कि आपको खुद को अवेकन करना है, तभी आपका रीयूनियन पॉसिबल होगा। क्योंकि जब तक आप बैलेंस्ड नहीं होंगे तब तक आपका यूनियन पॉसिबल नहीं होगा। तो जब आपका मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस हो जाए और फेमिनिन एनर्जी है, कुछ मैस्कुलिन ऐसे होते हैं जो बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल थिंग्स में पैसे के पीछे भागते हैं, उनके लिए उनका करियर ही सब कुछ है, उनकी जिम्मेदारियाँ ही सब कुछ है, हमेशा अपने आप को प्रोवाइडर की तरह दिखाते हैं, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी को उनके में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, उनको भी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? इमोशंस, लव, अनकंडीशनल लव, ट्रू फीलिंग्स, डेडिकेशन, डिवोशन, ये होती है फेमिनिन एनर्जी। तो मैस्कुलिन को भी मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस बनाकर चलना है और फेमिनिन को भी मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस बनाकर चलना है। जब आप दोनों बैलेंस हो जाते हैं तब आप कंप्लीट होते हैं, यूनियन में आते हैं, ठीक है। ये होती है डिवाइनली गाइडेड जर्नी में। तो जो भी लोगों को लगता है कि वो अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, सोल जर्नी में हैं, तो पहली बात तो आप इस चीज़ पर फोकस करिए कि अपने अंदर देखिए कि आपने अपने अंदर में कितना इम्प्रूवमेंट लाया है, किस स्टेज पर आप पहुँचे हैं। क्या आप अभी भी डरते हैं खोने से अपने पार्टनर को? क्या अभी भी आपके अंदर को डिपेंडेंसी है कि ये नहीं तो मैं नहीं, ये वाली एनर्जी में अगर अभी हैं, या अगर अभी भी आप को डिपेंडेंट हैं अपने फादर के ऊपर या अपने भाई के ऊपर या अपनी बहन के ऊपर अपने खर्चों को लेकर, तो आप समझ लें कि अभी आप बैलेंस्ड नहीं हैं। अभी आपको और मेहनत करनी है, और इनर वर्क करना है, अपने ऊपर और काम करना है। जब आप खुद बैलेंस्ड होंगे तो आपके पार्टनर खुद ब खुद आपके साथ वाइब्रेशनल एनर्जी के थ्रू आपका जो बैलेंस है वो पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा, राइट। तो ये मैंने एक थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे दिया है, ताकि जो लोग इस फेज से गुज़र रहे हैं, इस जर्नी से गुज़र रहे हैं, जिन्हें भी ऐसा लगता है कि वो सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनको ये गाइडेंस आई थिंक कि हेल्पफुल हो। सो यहाँ पर जो एनर्जी आई है उसे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्यों आई है ये एनर्जी। प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें इन कार्ड्स को, एंजल्स, क्यों आए हैं ये कार्ड्स? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? ओके, ये बहुत ज़्यादा है। द लवर्स, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्लियरली दिख रहा है कि इनके लाइफ में जो भी चॉइसेस थी, जो भी ऑप्शंस थे, जो भी थर्ड पार्टी थी, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, अपने लव लाइफ में न्याय देना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स। जो कार्ड्स आए थे वो ये थे, टेन ऑफ सोर्ड्स, हैरोफेंट एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, ये चार कार्ड्स और गिरे थे जो मैंने वापस रख दिए। ये कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, शादी को लेकर यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हेरोफेंट का कार्ड है और यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड क्लैरिफिकेशन में आया है विद द एम्प्रेस, यहाँ भी हेरोफेंट आया है विद द एम्प्रेस, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इन कार्ड्स के गिरने का कनेक्शन था तो मैंने ले लिए। यहाँ पर क्लियरली एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये अगर मैरिड हैं ऑलरेडी आपके पार्टनर, तो आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर हो सकता है अपने कार्मिक से डील कर रहे हों, और क्योंकि आप सोल जर्नी में हैं तो कार्मिक्स आपको कार्मिक बैगेज रिलीज़ करना होता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, कुछ ना कुछ एंडिंग होगी यहाँ पर, कुछ ना कुछ एंडिंग होगी। टेन ऑफ सोर्ड्स,
आपको रीयूनियन में लाने के लिए यूनिवर्स को बहुत बड़ा प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटजी पहले से सब सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही सब हो रहा है। और क्योंकि शनि देवता यहाँ पर हैं इस वक्त अभी भी, तो शनि देव 2019 नवंबर, अक्टूबर नवंबर तक अपना पूरा कर्मा, जिसको जिसको इस जर्नी में उनको आगे बढ़ाना है, टीच करना है, उनका कर्मा क्लिंस होगा। तो यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ, आज नहीं तो कल, लेकिन होगा सबके साथ। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई द फूल, क्यों आया है द फूल करंट एनर्जी में, द फूल का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड, एक टफ साइकिल एंड होते हुए दिख रही है। ये प्लानिंग कर रहे हैं एक कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए। द वर्ल्ड, बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें ये झेल रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस, जो सिचुएशंस इन्हें सर्व नहीं कर रही थी वो उसमें भी वो झेले जा रही थी या झेले जा रहे थे, उस सिचुएशन से अब बाहर निकलने का समय आ गया है, ऐसा यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस है उसे एंड करना चाह रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट, हर्मिट के लिए आया है टावर, हर्मिट के बाद यहाँ पर भी टावर आया है और हर्मिट के लिए यहाँ भी टावर आया है। थर्ड पार्टी में एंडिंग होने वाली है, टू ऑफ वॉन्ड्स विद टावर। तो हर्मिट का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। अगर आपको इनकी एनर्जी फील हो रही होगी तो आप समझ सकते हैं, बेटर आप जान जाएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, हैवीनेस लग रही होगी, सर दर्द, आईज़ में पेन, जो कि आपको कोई आप स्पेक्स भी नहीं लगाते हो फिर भी आपको आईज़ में एक हैवीपन लगेगा। अचानक से हार्ट में पेन होना या हैवीनेस लगना, या सोलर प्लेक्सस चक्रा में आपके एक अजीब सा जैसे कोई वाइब्रेट हो रहा है कुछ, उस तरह की एनर्जी फील होना। तो इस तरह की एनर्जी अगर आपके साथ हो रही है, स्पेशली अगर आपको लगता है कि आप सोल जर्नी में हैं, तो ये एनर्जी पक्का आप लोगों के पार्टनर्स की होने वाली है, राइट। कुछ ना कुछ टावर मोमेंट यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स ऑलरेडी झेल रहे हैं। ओके, पहले मैं इन दोनों को ही क्लैरिफाई कर लेती हूँ। टावर का कार्ड क्यों आया है, अरे अरे सैड है बहुत ज़्यादा, वेटिंग एनर्जी, सारी इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं ये। अब वेट नहीं करना चाहते, अब एक फुल एंड फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। आर या पार वाली एनर्जी है, मतलब डिसीजन अब लेना ही है, फाइनल वक्त, डिवाइन टाइमिंग जो हम कहते हैं, कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, जो कि वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। बड़ा डिसीजन आपकी तरफ आने वाला है, मेजर डिसीजन। डेथ का कार्ड क्यों आया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ पर द मून का कार्ड है विद फोर ऑफ वॉन्ड्स। क्लियरली यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है, तो फुल मून की एनर्जी में इनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर। कुछ ना कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू इनके लाइफ में आने वाला है। सेंटर पॉइंट शादी है, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनकी शादी में ब्रेक थ्रू आने वाला है, और अगर सिंगल हैं तो ये शादी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। द हेरोफेंट क्यों आया है, कहीं ना कहीं स्टक हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, फाइनल एक्शन यहाँ पर लेने वाले हैं अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ। ये प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, इनकी जो इच्छा है, इन जिससे भी ये शादी करना चाहते हैं, ऑफकोर्स आपसे करना चाहते हैं, तो ये आपसे जो लव है, आपसे जो इमोशंस हैं, इनकी विश है आपकी तरफ बढ़ना। अगर किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में है, कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कहीं जगल कर रहे हैं, तो वो वहाँ से निकलेंगे, ब्रेक थ्रू आएगा और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, यही इनकी विश है।
द चैरियट क्यों आया है? द फूल न्यू बिगिनिंग, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस, बहुत हर्ट हो लिया, अब और हर्ट और सेक्रीफाइस नहीं करेंगे ये, मतलब एक जो होता है ना कि दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, मतलब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उन सब चीज़ों से ये केयरफ्री होकर बाहर निकलने वाले हैं। आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए कुछ बड़े स्टेप्स लेंगे, ऐसा लग रहा है किसी वॉर में है और वॉर को जीतने वाले हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एक तरह से सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, मतलब ये चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर स्टेप लेने वाले हैं आपकी तरफ, बढ़ने वाले हैं आपकी तरफ, एक नई शुरुआत करने वाले हैं। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। द फूल के बाद ही चैरियट का कार्ड आया था और चैरियट को क्लैरिफाई किया है द फूल। एक कार्ड रह गया, शायद ये रह गया ना, एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? फैमिली, फैमिली इशू है, फैमिली कार्मिक हो सकती है, आप में से ज़्यादातर लोग फैमिली की वजह से परेशान हैं, अपने पार्टनर की फैमिली, या तो वो अपनी फैमिली की वजह से परेशान है, या तो आप अपनी फैमिली की वजह से परेशान है, या तो आप किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस में बंधे हुए हैं, या तो वो किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस में। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ एम्प्रेस कार्मिक को शो कर रही हैं, तो कार्मिक यहाँ रिलीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये करंट एनर्जी है, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। लेट्स चेक इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। पेशेंस, बार बार पेशेंस का कार्ड आ रहा है, मैंने नोटिस किया 2-3 दिन से। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का क्या कुछ बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। बेस चक्र, ओके, सोलर प्लेक्सस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सॉलिट्यूड, लव बिगिंस, थ्रोट चक्र। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डबल वन आया है यहाँ पर, तो वन नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वन वन, विद इन वन मिनट, विद इन वन आवर, विद इन वन वीक। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर अगर ब्लॉक सिचुएशन में हैं तो अनब्लॉक करेंगे, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टैक्ट होगा, अगर कॉन्टैक्ट में है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं आपसे या इग्नोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल पेशेंस रखिए। आपके पार्टनर इस समय सॉलिट्यूड में है, इनका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है इस वक्त, क्योंकि जब किसी की अवेकनिंग होती है या जब उन्हें किसी तरह का एहसास होता है अपनी गलती का, तो वो अकेले में रहते हैं, तब उन्हें एहसास होता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आपके साथ किए हैं, चाहे अच्छा बिहेवियर किए, चाहे बुरा बिहेवियर किए, चाहे जब जब आपको हर्ट किया इन्होंने, इनको वो सब चीज़ का रियलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले समय में। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट भी दिख रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने वाली है, ऑलरेडी है, हमेशा से है, लेकिन आने वाले समय में ओवर एक्सप्रेसिव होंगे, मतलब आप दूर भागेंगे और ये आप खुद चेज करेंगे, वो वाली एनर्जी है। हो सकता है ये आपसे पर्सनली कहें कि तुम चेंज हो गई हो, या तुम चेंज हो गए हो, या तुम अब पहले जैसा वो नहीं कर रहे, क्या किसी और के साथ हो क्या, आप इस तरह की भी डाउट्स ये इनके मन में आ सकती है। अगर आपसे इस तरह की बातें करें तो आप समझ जाना कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें ये आपसे कर रहे हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग है, दो दो कार्ड न्यू बिगिनिंग के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को विद इन अ वीक, विद इन अ डे कॉल मैसेज आ जाएगा, कुछ लोगों को विद इन अ मंथ, सेप्टेम्बर मंथ के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में आपका ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं? बात करना चाहते हैं, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर,
बात करना चाहते हैं, आपसे मिसिंग एनर्जी है, और बात करेंगे तो डाउट भी करेंगे। 88 देखिए, 88 एंजल नंबर्स आ रहे हैं, 11 को क्लैरिफाई किया है 88 ने, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एम्परर का कार्ड क्यों आया है, ये अपनी पावर में डिसीजन ले रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। अगेन चैरियट, मेजर अरकाना में भी चैरियट आया और यहाँ पर भी चैरियट आ गया, डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आने वाले हैं आपके पार्टनर गाइस। पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, अपनी एनर्जी को अपने अंदर तक रखिए, इन्हें सिर्फ ब्लेसिंग्स भेजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस भेजिए, इन्हें कर्स मत करिए, इन्हें कोई भी ऐसी बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड से मत बोलिए, कैरियर ने तो मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया। पॉजिटिविटी को खाली अट्रैक्ट करिए, नेगेटिव को सब रिलीज़ कर दीजिए, इन्हें फॉरगिव कर दीजिए और इनके लिए सिर्फ ब्लेसिंग्स भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में रिटर्न आए, पहले की तरह आपका रिलेशनशिप हो, पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो, पहले से भी ज़्यादा ऑनेस्टी हो, लॉयल्टी हो, तो आपको इन्हें सिर्फ ब्लेसिंग्स देनी है टेलीपैथी के थ्रू। रात को सोने के पहले आप इन्हें ब्लेसिंग्स दें, इनके सारे कर्मा हील हो जाएं, इनको इस सिचुएशन से निजात मिले जो भी इनके लाइफ में चल रही है। अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ आप इनको ब्लेस करें। सो लेट्स चेक, देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आ रहा है, बातें होने वाली हैं आप में से ज़्यादातर लोगों की। हेल्पफुल पीपल इफ़ यू बिलीव फॉरगिवनेस, मैंने आपसे कहा इन्हें माफ़ कर दें, आने वाले टाइम में अगर ये आपके लाइफ में आते हैं या आप डाउट करते हैं कि आप तो अब मुझे चेज़ नहीं करते, लगता है आपको कोई और मिल गया है या मिल गई है, अगर कुछ इस तरह की बातें आपसे ये आपको मतलब ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आप इन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं दोगे एक स्माइल के सिवा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस अपना शो करना होगा। इनको अगर आप इनके ट्रिगर में आ गए, आपने गुस्सा कर दिया या कुछ ऐसा वैसा बोल दिया कि आपकी तरह नहीं हो या फलाना ठिकाना, तो मतलब कि आप अभी बैलेंस नहीं हो। आपको ऐसे ही शो करना है कि आप बहुत बैलेंस्ड हो, और अगर आप बैलेंस्ड हो सच में तो आपको शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उतनी चीज़ें आप पचा ले जाओगे। अब आपको इतनी छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर नहीं होगा, उल्टा हंसी आएगी, ठीक है। और आप बहुत दूर की सोचते हो, स्पेशली अगर आप मेरी टैरो रीडिंग्स देखते हो तो आप तो बहुत दूर की सोचते हो, तो वो मतलब ये कह रहे हैं इसके मतलब कि इनके दिल में क्या क्या चल रहा होगा, ये सब आपको अच्छी भली भांति अब पता है। सो फॉरगिवनेस का कार्ड है, इनकी सारी गलतियों को आपको माफ़ करना है। कम्युनिकेशन आपका आने वाला है, 1 नंबर आया है, तो विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, विद इन अ डे आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपसे रीच आउट करेंगे। हेल्पफुल पीपल, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है अपने सोल पर्पज़ पे, अपने मिशन पे, जो भी आपका सोल पर्पज़ हो, जो भी आपको बचपन से यूनिवर्स ने गाइडेंस दी हो, तो डेफिनेटली करें और अपने लाइफ में अच्छा काम हमेशा करते रहें। लेट्स चेक सम मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। सो फर्स्ट कार्ड है एक्सप्रेस योर इमोशंस, डेफिनेटली आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करेंगे। अथॉरिटी, नेक्स्ट एक्शन में एम्परर का कार्ड भी आया था, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अथॉरिटी फिगर हों, टीम लीडर हों, मैनेजर हों, CEO हों या पब्लिक इमेज हों, ओके। करने गए थे उससे तगाफुल का गिला कि एक ही निगाह के बस खाक हो गए। कुछ लोगों को ये शायरी समझ में नहीं आई तो मैं आपको बता दूंगी, अभी बता देती हूँ। इस शायरी का अर्थ ये है कि आपके मन में बहुत सारा गुस्सा भरा था अपने पार्टनर के लिए कि मैं तो उससे बात नहीं करने वाली हूँ, मैं तो उसकी तरफ जाऊँगा नहीं या जाऊँगी नहीं, आएगा तो मैं तो सामने से ब्लॉक कर दूँगा या कर दूँगी, इतना गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही आप उनसे बात किए या उनके सामने गए, खाक हो गए, सब भूल गया, सब फ्लैट हो गया सब। तो ये वाली एनर्जी ज़्यादातर लोगों ने फील करी होगी, स्पेशली ट्रू लव में ऐसा ही होता है कि आप अपनी सारी शिकायतों को भूल जाते हो। फीलिंग सैड, डेफिनेटली आप या आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, जो भी अवेकनिंग से गुजरता है, इट्स नॉट एन ईजी जर्नी। यू आर वेरी ब्यूटिफुल, आपके पार्टनर में भी आपको हमेशा बोलते होंगे ये बात। ड्रीम, हो सकता है आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हों, लूसिड ड्रीम्स, बहुत सारे हॉरर ड्रीम्स, तो आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या देख रही हूँ मैं, ये क्यों देख रहा हूँ मैं। लव यू फॉर एवर, हमेशा आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं। हम भी बरगद के दरख्तों जैसे हैं, जहाँ दिल लग जाए ता उम्र वहीं खड़े रहते हैं। इसका मीन है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो,
और ऐसा नहीं है कि आज एक पार्टनर ने आपको हर्ट कर दिया तो आपने फटाक से 3-4 बना लिए। ये वाली एनर्जी ज़्यादातर जो लोग सोल जर्नी में होते हैं वो इनसे दूर रहते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं लेकिन वो इस तरह की रिलेशनशिप्स में टाइम पास करना पसंद नहीं करते। तो इस शायरी का अर्थ उस वे में है। स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है। भगवान करे मेरे सारे व्यूवर्स स्टेबल हों फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली और आपके पार्टनर से बहुत जल्द से रियूनियन हो जाए ताकि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहो अपने लाइफ में। यही ब्लेसिंग्स के साथ इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ और जिन्हें भी ये रीडिंग गाइड करती हूँ ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट किया करें। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।